हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं मेरा HP का प्रिंटर है दोस्तों, HP इंकटैंक 319 सीरीज का दोस्तों। इसके साथ एक सीडी आती है दोस्तों, इसे किस तरीके से इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर वही दिखा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा किस तरीके से जो है इंस्टॉल करना है, दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले इसे जो है आपको जो है ओपन कर लेना है दोस्तों। इसे ओपन कर लेने के बाद ये देखिए बाहर आ जाएगी आपकी जो सीडी इंसर्ट करने का जगह रहता है, उसको क्लिक करना है दोस्तों। इस तरीके से बाहर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसको जो है अप्लाई कर लेना है दोस्तों। इसके बाद में क्या करना है पूरा लैपटॉप में दिखाऊंगा, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सीडी को जो है अब जो है इंसर्ट कर चुका हूँ दोस्तों। इंसर्ट कर देने के बाद थोड़ा देर वेट लीजिए, यहाँ पे आपको महसूस होगा दोस्तों आपकी सीडी जो है रोटेट होना स्टार्ट होगी। रिफ्रेश करते रहिए दोस्तों यहाँ पे, नहीं तो ये देखिए आप जो है महसूस हो सकता है। इस तरीके से दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, ओपन फोल्डर्स या रन सेटअप EXE करके दोस्तों। तो सबसे ऊपर वाला आपको क्लिक करना है दोस्तों, रन सेटअप EXE करके, ये देखिए उसे क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से लोड लेगा। इसके बाद में यहाँ पे गो ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट कनेक्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो ID रैदर ने सेटअप यूजिंग CD यानी कि CD के अंदर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसके थ्रू आप जाओगे करके इस तरीके से क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद में जो है वो इस तरीके से दिखाएगा, आपके प्रिंटर को जो है लैपटॉप को कनेक्ट कर लीजिए। मैंने वीडियो डाला हुआ है दोस्तों किस तरीके से अपने प्रिंटर को आपके लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आपको जो है पता चलेगा किस तरीके से आपके प्रिंटर को लैपटॉप को कनेक्ट करना है दोस्तों। मैं अभी जो है सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल करने दिखा रहा हूं दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए आपको पता चल जाए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए, ये कनेक्ट नहीं है दोस्तों। ये देखिए ये क्या दिखा रहेगा, कनेक्ट अ न्यू डिवाइस यानी कि आपके प्रिंटर को कनेक्ट करो करके बोल रहा है। मैं फर्स्ट ऑन मार देता हूं, ये देखिए इस तरीके से दिखा रहा है यहां पे, इस तरीके से इधर से लेके इधर कनेक्ट करना है आपके लैपटॉप को करके बोल रहा है। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, यहां पे इस तरीके से मार देता हूं विदाउट कनेक्शन के दोस्तों, डायरेक्ट मार के स्किप मार देता हूं दोस्तों। इसके बाद जो व्हेन यू आर रेडी टू कनेक्ट द डिवाइस कंप्यूटर डबल क्लिक ऑन द आइकॉन डेस्कटॉप ओपन द डिवाइस सेटअप प्रोग्राम, बने इसे जो है फिनिश कर देना है दोस्तों। सबसे आपका जो है कनेक्ट कर दीजिए दोस्तों, इसके बाद आएगा दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट 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 कर दीजिए, ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद फिनिश कर देने से ये चला जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों HP इंकटैंक 3110 सीरीज दोस्तों। 319 का है दोस्तों यानी कि 3110 सीरीज इस तरीके से आ जाएगा। आपका जो भी कंप्यूटर हो, जो भी यानी कि जो भी लैप जो भी प्रिंटर हो दोस्तों, इस तरीके से आसानी के साथ सीडी डालना है दोस्तों, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट मारते जाना है, क्या पूछ रहा है उसको वो करते जाना है। आपका प्रिंटर जरूर जरूर दोस्तों जरूर जरूर आपके इसे कनेक्ट कर लीजिए लैपटॉप को, फिर जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ इस तरीके से आप जो है आपके लैपटॉप के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है आपके प्रिंटर का इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसके अलावा भी कुछ भी सवाल हो तो बिंदास नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और ये सीडी को निकालना ना भूलिएगा दोस्तों।